वाला बिल्डर साहब आ रहे हैं। नहीं नहीं बिल्डर को भी नहीं जानता, तुम लोग तोड़ना ही है, तोड़ना ही है, तोड़ना ही कुछ बल अरे आने दे ना वीडियो खड़े खड़े को जो प्रभा क्रमांक 6 है वहां पर एक तोड़क कार्रवाई होती है। ठीक उसके 6 दिन बाद जो हमारी एमएलए हैं गीता जैन 145 विधानसभा सीट से वो जाती है और दो इंजीनियर होते हैं उनसे वो पूछताछ करती है। उसी बीच वो एक जो इंजीनियर है उस पर कस कर थप्पड़ जड़ देती है। ये बात कुछ देर बाद 20 जून के दिन इसको ऑन कैमरा रिकॉर्ड किया जाता है और फिर वायरल कर दिया जाता है। किसी को वजह नहीं पता थी कि किस वजह से ये जो थप्पड़ मारा गया है ये, लेकिन कैमरे में ये आ गया कि वीडियो रिकॉर्ड हो गया, वायरल हो गया कि किसने मारा, क्यों मारा, ये नहीं है, लेकिन गीता जैन ने मारा है ये पता चला इंजीनियर को, वो भी नगर पालिका के। दरअसल ये कार्रवाई इसलिए हुई थी, 14 पहले मैं आपको ये सारे लोगों को बता दूं कि 14 जून को जो कार्रवाई हुई थी नगर पालिका की तरफ से वो इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से हुई थी। और इसमें उनका कहना था गीता जैन का कि जो छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग कई वर्षों से रहते थे और बारिश में इस तरीके से कार्रवाई नहीं करनी थी, इसलिए ये बात आई और 20 जून को ये हादसा हुआ। जब 20 जून को ये वीडियो वायरल होता है थप्पड़ जड़ने का, उसके बाद लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि इस तरीके से तो कोई वजह नहीं होती कि आप बात करती, लेकिन ये क्या वजह थी कि आप किसी को इस तरीके से भरी पब्लिक में जनता के सामने भीड़ में आप मार देती हैं। जब उनको लगा कि ये सब लोग विरोध कर रहे हैं उसके बाद वो फिर से आती हैं और एक वीडियो फिर से वायरल होता है जिसमें वो वजह बताती हैं कि जब मैं जो दो इंजीनियर थे संजय सोनी और शुभम पाटिल, तो जब मैं संजय सोनी से बात कर रही थी तब वो हंस रहा था, इसके लिए गुस्सा आता है और इसीलिए मुझे भी गुस्सा है, जब वो हंसने लगा तो मैंने उसके गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। ये सारी कहानी उन्होंने बताई। बहरहाल तीसरे चौथे पांचवें दिन ये विरोध होता ही रहा और अभी तक विरोध हो रहा है, लेकिन इस पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि जब ये सारी चीजें होने लगी तो तुरंत ही शुभम पाटिल जाते हैं काशीमीरा पुलिस स्टेशन और वो अपनी शिकायत दर्ज करते हैं, जिस पर जो वहां के वरिष्ठ PI हैं संदीप कदम, उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करते हैं। उनके साथ आम आदमी पार्टी भी जाती है कि इस तरीके से जो मारा गया थप्पड़ इसके लिए MLA के विरोध में हम भी आए हैं और इस जो शुभम पाटिल इंजीनियर है उनके हम उनका साथ देने आए और ये FIR करवाना है, लेकिन FIR नहीं होती है और कार्रवाई करने के लिए बोलकर मामले को उस दिन शांत किया जाता है। ये मामला इतना बढ़ गया है कि आज युवा जो कांग्रेस के जो यूथ है कांग्रेस के, उन्होंने भी एक मोर्चा निकाला इसके खिलाफ। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और ये बात भी और ये जानेंगे कि अभी तक MLA के खिलाफ शिकायत क्यों दर्ज नहीं हुई है और ये मामला कहां पहुंचा है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ रूबरू में आए हैं मेहमान जो यहाँ के मीरा भाईंदर के संतोष तिवारी जी हैं, जो RTI सोशल एक्टिविस्ट है वो है हमारे साथ। संतोष जी स्वागत है आपका। और हमारे साथ मीरा भाईंदर के आम आदमी पार्टी के संयोजक सुखदेव बेन बंसी जी है, स्वागत है आपका सुखदेव जी। और हमारे साथ NCP के मीरा भाईंदर के माइनॉरिटी प्रेसिडेंट है गुलाम फारूकी जी। गुलाम फारूकी जी स्वागत है आपका रूबरू में। सुखदेव जी सबसे पहला सवाल आपसे, क्योंकि आप FIR के लिए गए थे, घंटों लगे थे, हम उस दिन प्रोग्राम भी करने वाले थे लेकिन किसी वजह से ये नहीं हो पाया। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, हमारी सरकार सब कुछ हमारा, फिर उसके बाद भी सारी बातें कैसे आ गई और FIR क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए व्यापार का जो प्रोसीजर है उसके लिए पत्र दिया गया है, ये तो कमिश्नर को चाहिए कि सरकारी अधिकारी और डिपार्टमेंट का आदमी है वो जिसके ऊपर इस तरीके की घटना हुई है, कमिश्नर को आगे बढ़कर इसमें अभी संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन वो भी बैठे हुए हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मीरा भाईंदर के अंदर कोई भी अधिकारी उच्च अधिकारी किसी भी तरीके का जो आता है
और राजनीति आशीर्वाद के सिवा आता ही नहीं है, बराबर है। कहीं ना कहीं राजनीति दबाव कमिश्नर के ऊपर इतना है कि वो इसके ऊपर गंभीरता से संज्ञान लेना नहीं चाहते, वरना अब तक अगर कोई साधारण व्यक्ति इस तरीके का काम किया होता तो FIR हो गया होता और वो जेल में होता। हर सरकारी जो ऑफिस होती है उसके अंदर एक बैनर पोस्टर लगा होता है कि सरकारी काम में बाधा अगर डाला जाएगा तो आपके ऊपर फलाना फलाना FIR दर्ज किया जाएगा, ठीक है। और ये तो सरकारी अधिकारी को ही पीट दिया गया है, लेकिन अभी तक उसका संज्ञान कमिश्नर साहब ने खुद क्यों नहीं लिया, ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि आखिर में ये जो पूरी तरह से जो चीजें हुई है और उनके पीछे कितने किसका आशीर्वाद है। प्रभाग कौन सा छह प्रभाग जो है वो प्रताप सरनाइक जी के वार्ड में आता है, उनके प्रभाग में आता है, विधानसभा क्षेत्र में आता है, और जगह जगह पर आगरी भवन मराठी अस्मिता का नारा देने वाले आज वो चुप हैं। एक भूमिपुत्र के गाल पर तमाचा पड़ा है, वो चुप हैं। तो ये जो राजनीति है ना, वो मीरा भाईंदर की इस तरीके से हो गई है कि बस राजनीति करते जाओ, भूमि पूजन करते जाओ, वाहवाही लूटते जाओ, और पत्रकार बंधु भी जो है वो फोटो लेकर इतना सब कुछ जगह पर डालते जाते हैं ताकि ऐसा लगता है कि मीरा भाईंदर बहुत तेजी से विकास कर रहा है। लेकिन इस विकास का पोल अभी आपने देखा, एक बरसात में खुल गई, 5 से 8-6 करोड़ रुपए के बजट से पूरा का पूरा नाला साफ हुआ, लेकिन क्या हुआ। तो ये सारी की सारी चीजें जो है सिर्फ पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा पाने के लिए किया जाता है, और उसके लिए किसी की अस्मिता तक बोलते हैं ना कि वो जा सकते हैं किसी के भी। और मैं तो कहूंगा कमिश्नर साहब खुद संभल के रहे कि अगर वो कभी विधायक जी के साथ में बात करते समय हंस दिए तो ऐसा माहौल उनके साथ भी बन सकता है। तो उनको अभी बहुत समय, हाँ गया था मैं, हेलमेट देने गया था कि आप लोगों की सुरक्षा मीरा भाई के लिए रखी है, नेताओं से गाल बचा के रखिए, इसलिए हम हेलमेट देने गए थे, लेकिन कमिश्नर साहब वहां पर नहीं थे, तो जो एडिशनल कमिश्नर थे उसको हम लोग मिलकर उनको वो दिए और उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी सुरक्षा जो है उसको गंभीर कर लीजिए और सुरक्षा बढ़ा लीजिए आसपास ताकि ऐसी घटनाएं आपके साथ ना हो। संतोष जी, ये घटना क्या था, क्या लग रहा है घटना? मतलब एक तरह से अगर आप देखने जाए तो कुछ दिन पहले भी जो हमारे रजिस्ट्रार है उनको लेकर भी जो प्रताप सरनाइक विधायक है और गीता जैन दोनों ने काफी नौटंकी चली और उसके बाद फिर रजिस्ट्रार का ट्रांसफर हो गया, हमने इस मुद्दे पर भी चर्चा रखी थी। क्या लग रहा है आपको, ड्रामा है क्या पूरा पूरा, किस तरीके से आप देख रहे हैं, किस एंगल से देखते हैं ये पूरे मामले को? देखिए, गीता जैन को मैं स्टार्टिंग के दिनों से, जब नगर सेवक थी और दिन में 2 बार फोन करती थी कि मेहता परेशान कर रहा है, ये कर रहा है डॉक्यूमेंट्स, और हम लोग सभी लोगों ने उसको काफी मदद किए, हर पार्टी के अपने फ्रेंड सर्कल से उनको वोट दिलाए, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहला शब्द की हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दिए थे कि मीरा भाईंदर की राजनीति में नागनाथ को हटा के हम लोगों ने नागिन चाची को गले में डाल लिया, पहला चीज, ठीक है। आज तकरीबन 4 साल से फोन भी नहीं आया, पहला चीज। दूसरा चीज, ये सब पब्लिसिटी स्टंट है क्योंकि 4 साल तो हमने कुछ किया नहीं है, बिल्कुल। लोगों का ध्यान अब तो अगला 6 महीना साल भर में इलेक्शन आने वाला है जी, तो कुछ ना कुछ तो करना है, अपना धमक दिखाना है, आप लोगों से छूटा नहीं है, भाई भी उनके अधिकारियों पे किस तरीके का ये हुआ है और खून खून का साथ देता है, तो बहन भी उस नीति पे चलेगी, ये तो 100% सत्य है। जात स्वभाव ना छूटे कुत्ता, वो वाला सीन आपको मालूम है। तो जी जी, आपने जो हेलमेट देने गए थे वो गवर्नमेंट से मैं ये करूंगा, नगर पालिका के टैक्स पेयर से, कि हर अधिकारी को और महानगर पालिका ने अपने बजट में से एक हेलमेट देना चाहिए हर अधिकारी को। अधिकारियों को क्यों, क्योंकि 4 साल तो हमने कुछ काम किया नहीं है, किसको किसको तुम चाटा मारोगी, 14 करोड़ लोग है मेरा परिणाम, 14 लाख से 15-20 लाख से 20 लाख लोगों को हेलमेट देना चाहिए। मैं ऐसे आयुक्त से मांग करता हूँ, मैं खुद 21 तारीख को नगर पालिका में गया हुआ था, असलियत पूरा डीपली मेरे जो सोर्सेस के मार्फत से मैंने ये किया था। वो जो फैमिली थी, फैमिली को 2 फ्लैट पहले अलॉट हो चुका था, तीसरा फ्लैट भी रखे हुए थे क्योंकि उससे भाड़ा मिल रहा है, हम लोग ये कर रहे हैं,
और आप तो ठीक है ना, आप इतना जनता के प्रति जागरूक हैं, तो आपके वार्ड में एक घर दूध पीती बच्ची को घर से तोड़ा गया था, नवरात्रि आपका नहीं होने दिया था, उस समय आप कहां चले गई थी? प्रताप सरनाइक के वार्ड में आप चले जा रहे हो, आपको मैंने तीन मुद्दा ऐसा दिया था कि मुद्दे को आप लोगों ने ऊपर से ही हल कर दिया, नीचे मेरे को भनक तक पेपर का आज तक भनक तक नहीं लगी है मुझे। हाँ, और गीता जैन ने बकायदा प्लान करके बच्चाओं साहब का मोबाइल देख लिए, बच्चाओं साहब के मोबाइल पे ये किया कि मैं फलाने जगह पहुंच रही थी, आप पहुंचिए, ठीक है ना। बच्चाओं साहब मीटिंग में होने की वजह से दो इंजीनियर को भेजा गया, ठीक है। मैंने पूरे वीडियो में कहीं भी उस जो भी अधिकारी है जो उसको हंसते हुए मैंने कभी नहीं देखा। दूसरा चीज, नारी जिसको सम्मान के साथ देखा जाता है पर पुरुष को टच नहीं करती है, एक प्रकार से अपराध है, ठीक है। इस तरीके से पुरुष किसी नारी को अगर टच करता है तो अपराध है, तो तुम किस वातावरण किस कल्चर से आई होगी, प्यारे पुरुष के ऊपर तुम पटक से हाथ उठा देते हो, तुमको थोड़ा भी शर्म नहीं लग रहा है कि अगर वो आदमी मेरे को अगर चटा मार देता उस तो जो इंजीनियर है उसको मैं माँ बाप को बहुत तहे दिल से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने ऐसे संस्कार दिए हैं कि मार खाते हुए भी उसने चाटा नहीं उछाया है, एक उफ तक नहीं किया है, और उसने अगर एक चाटा मार दिया रहता तो ये कहां के कहां जाते थे, कुछ भरोसा नहीं था, लेकिन उसकी इंसानियत थी। और ये नाटक मीरा भाईंदर में बंद कर दो, अब नाटक नहीं चलेगा, लोग आपको जान चुकी है, पहचान चुकी है, और आप तो धोबी ना, आप तो धोबी के कुत्ते वाली हालत है, ना घर की ना खाट की, ना शिवसेना में हो ना बीजेपी में, कहीं भी नहीं हुआ, अपनी असलियत पहचान जाओ। फारूकी जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस पर चल रहा है क्या मीरा भाईंदर? करेक्ट करेक्ट, यहाँ पे सत्ता का नंगा नाच नाचा जा रहा है, और सरेआम रोड के ऊपर गुंडागर्दी की गई है। देखिए, इंजीनियर की गलती थी नहीं गलती थी वो अलग सब्जेक्ट है, आपको जनता ने चुनकर भेजा है, आप हाउस में जाके शहर की भलाई के लिए कानून बनाते हो, बहुत सारे जीआर निकालते हो, आप खुद खड़े होकर रोड के ऊपर दूसरों को क्या मैसेज दे रहे हो? मैं आपको नगमा जी बताना चाहता हूँ, मैं घर पे गया ना, मेरे बेटे ने वो वीडियो देखा, मेरे बेटे ने बोला ये जो प्रतिनिधि होते हैं जनता उनको अपना आइडियल मानती है, तो दिन में कुछ गलत होगा तो मैं अपने टीचर को भी मार सकता हूँ इनसे इंस्पायर होकर। मतलब हमारे शहर को ये यूपी बनाना चाहती है, यूपी में जंगल राज हमने सब सभी कुछ तरह से ये जंगल राज बनाना चाहते हैं, और उसके पीछे वजह है, हमने देखा जब ये चुनकर आई इनको हिंदू मुसलमान सब ने वोट दिया, ये सोचा कि शायद मेहता जी बहुत करप्ट है, हर जगह अभी 7-12 की जगह 7-11 नजर आ रहा था, 7-11 से तंग आकर लोग गीता जैन को चुन कर लाए, लेकिन वो इन 3 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किए कि जनता उनकी वाहवाही करे, तो इन्होंने दूसरा रास्ता निकाला, वो रास्ता निकाला पहला हिंदुत्व का, इन्होंने बागेश्वर बाबा को बुलाया, यहाँ पे हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाए, उससे पहले गाजर हिंदुस्तानी को बुलाकर शहर का माहौल खराब करने की कोशिश की, और वो गाजर हिंदुस्तानी ने नया नगर के लोगों को सीधा सीधा गालियां दी थी, और वहां पे ये जैन मैडम मौजूद थी, तो जिन्होंने इनको ओढ़ दे के मतलब जिताया, सब कुछ किया, ये किसी की नहीं है। और यहाँ मीरा भाईंदर पे लड़ाई ना, इनको जनता से कोई लेना देना नहीं, सारे बिल्डरों की लड़ाई, यहाँ जितने बिल्डर हैं वो सत्ता में जाके बैठ के या अपोजिशन में, वो कितना गरीबों का खून चूस कर अपनी बिल्डिंग बना सकते हैं, इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है, चाहे वो प्रताप सरनाइक हो या दूसरे और भी बिल्डर है, आप सब जानते हो ये मीरा भाईंदर में सिर्फ बिल्डरों का वर्चस्व है, गरीबों का हक मारने का, अपनी बिल्डिंग खड़ी करने का। रही बात कमिश्नर साहब की, तो हमारा शासन और प्रशासन हाथ पर जोड़कर नतमस्तक है, इन्होंने इनके अंदर हिम्मत नहीं है कि एफआईआर दर्ज कर ले, क्यों? क्योंकि सत्ता के साथ में वो एमएलए मैडम खड़ी है, एमएलए मैडम का जब वो एरिया नहीं है तो वहां करने क्या गई थी, क्यों? प्रताप सरनाइक साहब इतना सक्षम नहीं है क्या?
जी वो तो 146 का एरिया है ना। मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ, जब इलेक्शन का टाइम था ना, इन्होंने बहुत बड़े बड़े बोल वचन दिए थे, और बोल वचन में एक वचन ये भी था नववचन, आप लोग सबने सुनाएगा। इन्होंने नववचन दिया क्या था कि मैं वचन लेती हूँ जनता के लिए अस्पताल बनवाऊंगी, कितने अस्पताल जनता के लिए बने, अरे सर्दी खांसी बुखार के लिए भी ना एक फ्री में क्लिनिक भी खोल देते तो शायद लगता तुमने कुछ किया। इनका दूसरा वचन था मैं स्कूल बनवाऊंगी। नगमा जी आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने देखा इनके कार्यालय के सामने पब्लिक का मोर्चा गया और उसमें सब महिलाएं थी, इन्होंने उनसे सही तरीके से बात तक नहीं की क्योंकि उनके बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा निकाला गया था। ये सबने देखा, महिलाएं नजर नहीं आई, वो बच्चे नजर नहीं आए। शिक्षा से शहर का विकास होता है, ये विकास करने के लिए नहीं विनाश करने के लिए बैठे हैं। इनका तीसरा वचन था कि मैं कोई क्लब नहीं बनाऊंगी और कोई व्यापारी से कुछ पैसा नहीं वसूलूंगी। मैं पूछना चाहता हूँ मैडम, आपने कौन से क्लब बनाए हमारी जनता के लिए चार सालों में? अपने लिए नहीं, जनता के लिए बनवाना था ना क्लब, तो कौन से क्लब बनवाए? इस तरह से इनके जो पांचों ठेकेदार से मैं वसूली नहीं करूंगी। कुछ दिन पहले ना इन्होंने एक धावा बोला था कार्यालय में, रजिस्ट्रार में, वो रजिस्ट्रार कार्यालय में, तो क्या था इनकी हुई थी शायद, वो काम नहीं करता रहेगा, दबाव डाला, ब्लॉकिंग करा के लिया। जनता मीरा महिंदर में इन एमएलए मैडम ने एक काम कोई बता दे जो किया हो, इसके लिए हमारे शहर का ये माहौल खराब करना चाहती है। ये भगवादारी में घुसकर और शहर में हिंदू मुसलमान करके शायद बीजेपी की नजर में आ जाए, आरएसएस की नजर में आ जाए और इनको अगले टाइम टिकट मिल जाए। ये इनका मतलब ये ड्रामा है। सुखदेव जी, सुखदेव जी ये बताइए मुझे कि जो हमारे दोनों कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर और नगर पालिका के कमिश्नर, दोनों कमिश्नर, क्या नगर दोनों की ड्यूटी नहीं है कि एफआईआर होना चाहिए? लेकिन ईमानदारी से निभाए तब ना। सही बात तो ये है कि जो हमारी विधायक हैं वो कह रहे थे गुंडा राज खत्म करेंगे और ये समय बीते बीते वो खुद कब गुंडा बन गई उनको पता नहीं चला। हाँ, क्योंकि ये बीजेपी की जो अभी पूर्व नगर सेविका है हेतल परमार, उन पर भी इन्होंने महासभा में बोतल बोतल का सीन हुआ था, याद है आपको? जी जी जी, तो यही मैं बता रहा हूँ कि ये गुंडा मतलब जो है वो स्टैंड करती है। जी जी जी, इस तरह का कोई सीन क्रिएट करते हैं तो जाहिर सी बात है पूरे मीरा भाईंदर में नहीं, मुंबई में हो गया है कि जो मीरा भाईंदर पहले उन्होंने इंजीनियर को थप्पड़ मार दिया। जी जी, लेकिन ये सारे चीजें जो है वो ज्यादा समय तक चलता नहीं है। सच्चाई जो है वो जनता जानती है कि ना इन्होंने कभी स्कूल के लिए कुछ किया, ना तो हेल्थ के लिए कुछ किया और ना ही सही तरीके से मीरा भाईंदर के विकास में इनका कोई योगदान है। जो भी चीजें आज चल रही है वो सारी की सारी चीजें जो है वो सिर्फ वसूली के ऊपर पूरा का पूरा इनका फोकस है। बिल्डर लॉबी पूरी तरह से मीरा भाईंदर में हावी है, उनके बोलने पर सारी चीजें ऑपरेट होती है, यहाँ तक के डीपी प्लान से लेके सारा चीज आज जो हो रहा है वो किसके इशारे पर हो रहा है सभी जानते हैं। यहाँ की राजनीति को अगर बचाना है तो अच्छे और ईमानदार लोगों को आगे आना पड़ेगा और मीरा भाईंदर के विकास का जो सचमुच मॉडल है, गरीब से गरीब व्यक्ति को जो वहां पर सुविधा मिले, उनको जो उनकी जो पूरी तरह से जो उनका अधिकार है वो उनको मिलना चाहिए, इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। संतोष जी, एफआईआर होगी कि नहीं एमएलए मैडम पर? और दूसरा ये कि एनसीपी कांग्रेस और आधी शिवसेना, आधी तो चली गई शिंदे गुट में, आधी शिवसेना, ये तीन खतरनाक है या बीजेपी और आधे शिंदे गुट पूरा ड्रामा चला रहे हैं वापिस से सत्ता में आने के लिए? सत्ता में एफआईआर होगी कि नहीं होगी? एफआईआर नहीं होगी, क्योंकि अगर एफआईआर होती है और शिवसेना बीजेपी शिंदे गुट जो है उनके दया से कमिश्नर साहब वहां बैठे हैं, अगर एफआईआर हो जाती है तो कमिश्नर का डब्बा गोल हो सकता है। अच्छा, तभी तो मैंने बोला जिसकी लाठी उसकी भैंस और सैया भय कोतवाल, तो डर कहेगा, सब कुछ हमारा है, प्रशासन हमारा। लूट इस तरीके से चल रही है, नगर पालिका को या नगर किसी को मालूम नहीं है, जो हमारे कचरे का ठेका होता था
अभी मैं जस्ट ये आरटीआई से अभी पेपर निकाल के लाया हूँ, अभी बैठ के स्टडी कर रहा था। ये पेपर कुनार कंपनी को दिया गया है, कुनार कंपनी को, जो ठेका भासेंगे, जो पिछले 5 साल का ठेका 250-300 करोड़ का हो जाता था, वही ठेका उस कुनार कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है जी, 950 करोड़ में वो ठेका उनको दे दिया गया, 250 से सीधे 950 करोड़, और 950 करोड़ में सब बंदरबाट हो चुका है, हमको ये गाड़ी में, हमको ये गाड़ी में, पूरा पेपर्स में निकाल कर लाया था, आज सब फाइल आपको बात करते फाइलिंग कर रहा था, वर्क ऑर्डर लेके आया हूँ, L1 L2 सब लेके आया हूँ, 950। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 950 करोड़ में कमिश्नर साहब, गीता जैन, माननीय सिंधे साहब, प्रताप शर्मा, इन लोगों का कितना हिस्सा है? ये तो कोई बता नहीं सकता है। ये कौन बताएगा? पुष्टि जनता, ये कौन बताएगा किसका कितना हिस्सा है? जनता का टैक्स का पैसा है, एक जी, निकाल पहुंच जाती है जी, बिल्कुल, हमारी कमाई का हम टैक्स का पैसा दे रहे हैं। और सबसे मजे की बात बताएंगे, एक एक गाड़ी का जो गाड़ी वहां लगी हुई है, एक एक गाड़ी का 2800 पर घंटे का हिसाब, 2800 रुपया, टैक्स का 2 रुपया छोड़ते नहीं है, आपको हर महीने कितना ब्याज लगता है, जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है उस पर आप देखिए कितना ब्याज, ये पैसे मतलब हमारे जो मेहनत के हैं, जनता के पैसे आपके और हमारे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? ये गाड़ी है, ये पेपर है, आप जूम करके देख सकते हो, 16,200 रुपया पर डे गाड़ी का, बताइए सर, वो गाड़ी नहीं, मर्सिडीज है। मर्सिडीज पे भाई साहब नहीं आएगी इतना, भाई ये कोई मेगा का अमेरिका का जो ट्रक दिखाई दे रही है कि सोने की गाड़ी लाई है उन्होंने। हाँ, मतलब कि पूरा पैसा जो जनता का है वो इसी तरीके से जा रहा है, और ये जो हमारे नेतागण है ये सिर्फ स्टैंड में। फारूकी जी, आपको भी अभी आने वाले समय में सत्ता में आना है, बताइए किस तरीके से जनता भरोसा करेगी और क्या करेगी, और क्या अब उसके पास क्या रास्ते हैं, जब दोनों हमारे अभी देख रहे हैं MLA एक भूमि पूजन में ही लगे, रोज भवन ही बन रहे हैं, हर 5वें दिन उद्घाटन हो रहा है। मुझे ये बताइए, अब जनता जो आने वाले विधानसभा चुनाव, उसके पहले हमारे नगर पालिका के चुनाव, ये दोनों चुनाव आने वाले, पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि जो पूरी नौटंकी होती है हर 5वें 8वें दिन मीरा भाईंदर में नेताओं द्वारा, ये इसीलिए की जाती है कि ताकि वो हाईलाइट में, सुर्खियों में रहे। फारूकी जी बताइए, किस तरीके से जनता भरोसा करेगी आने वाले चुनाव में? मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले ना मैंने एक आमरण अनशन किया था जी। कभी आपने सुना है कि कोई शमशान के लिए आमरण अनशन करना पड़े? बिल्कुल नहीं सुना। बिल्कुल सब कुछ हम मीरा भाईंदर में ही सुन रहे हैं ज्यादातर। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है, हमारे शहर का दुर्भाग्य है, मुर्दे तो आएंगे नहीं अपना हक लेने के लिए। मैं 4 दिन तक आमरण अनशन पे बैठा था और हमने यही गुजारिश की कि जो रिजर्वेशन है यहाँ पे, जो 1997 के रिजर्वेशन में है, वो जगह डेवलप करके दे दी जाए, क्योंकि यहाँ अभी कब्रिस्तान की हालत ऐसी है कि 6-8 महीने में कब्र को खोलना पड़ता है। मेरे पास फुटेज है, मैं दिखा नहीं सकता इस पे, क्योंकि इंसान विचलित हो सकता है, कच्ची बॉडी निकल रही, वो किसी भी जात मजहब का हो, जगह ही नहीं बची है, मतलब ये कहने का मतलब कि जगह ही नहीं है। उसमें 3 महीने का टाइम लिखकर कमिश्नर साहब ने मेरा अनशन तोड़वाया और रिटर्न में दिया है। उसके बाद हमारे देश के महान विधायक और विधायिका, ये दोनों ने अपोज किया कब्रिस्तान का। अच्छा, तो ये डेवलपमेंट की बात करने की आए। आज हमें डेवलपमेंट में हमें स्कूल, शिक्षा, हॉस्पिटल, और मरने के बाद जो आदमी जा रहा है वो भी डेवलपमेंट का हिस्सा है, वो छोड़कर ये हर दिन भूमि पूजन करते हैं, और कितने ऐसे भूमि पूजन करके और वो जगह कैंसिल भी हो गई, वो रिकॉर्ड पूछेगा तो भी नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पे 10 साल में इन्होंने कितनी FD तोड़ी है, हमारे शहर को कंगाल कर दिया, बेच दिया। अभी हमारे सामने तिवारी जी है, तिवारी जी आप भी RTI मार के ये देखिए कि हमारे यहाँ की जनता पे पर आदमी पे कितना टैक्स है महानगर पालिका का, इतना तो लोन करके कंगाल किया है।
आपके माध्यम से मैं पूरे शहरवासियों को बोलना चाहता हूं, इस बार इलेक्शन में कोई भी करप्ट और ऐसे दादागिरी करने वाले किसी भी नेता क्यों ना हमारी पार्टी का हो, वोट देने के पहले उसका बैकग्राउंड जरूर चेक करो अगर अपने शहर को बचाना है और कल हमारे अपने बच्चों को जवाब देना है तो आप सबको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। करप्शन के खिलाफ सबको खड़े होना पड़ेगा और करप्ट लोगों को यहाँ से जूते मार के भगाना पड़ेगा अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करके। बिल्कुल सुखदेव जी एक लाइन में बोलिए, इस तरह की घटना फिर से ना हो इसके लिए क्या करना होगा? जनता को जागरूक होते हुए इसके लिए सड़कों पर उतर कर उनको देखो प्रजातंत्र में विरोध करना ही सबसे बड़ा हथियार है। लोगों को इस तरीके से सड़क पर आना पड़ेगा। अभी आप जानते हैं नया जो टैक्स लगाया है रोड पर चलने का टैक्स, आधे से ज्यादा जो रोड है वो फुटपाथ पे धंधा लगाने वालों के कब्जे में है, उनसे भी पैसा लिया जा रहा है और हर प्रॉपर्टी टैक्स में 10% बढ़ा दिया गया है रोड पे चलने का टैक्स। पहली बार मीरा भाईंदर महानगर पालिका ऐसी है जो रोड पर चलने का टैक्स ये मीरा भाईंदर की जनता से ले रही है, तो ये तो पैसे के वसूली में पूरी तरह से लगे हुए हैं। जनता को ये अपना ध्यान रखते हुए जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ज्यादा ज्यादा सड़क पर उतर कर ऐसे करप्ट लोगों को जवाब देते हुए इनके खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। संतोष जी बताइए, सुखदेव जी बोल रहे जनता को जागरूक होना पड़ेगा, जनता क्या करे, महंगाई से जूझे, नेताओं को पहचाने, किसको वोट दे? वोट की तो बात है, वोट स्टेज डालने के लिए आपको जाना पड़ेगा पोलिंग बूथ तक। आप वहां तक पहुंच पाओगे कि नहीं पहुंच पाओगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। इसके लिए पैसा बचाइए, हेलमेट खरीदिए और हंसना मना है। अच्छा, आपका मतलब है कि बस हेलमेट खरीद लीजिए, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है, गुंडागर्दी शुरू है मीरा भाईंदर में फिर से इनको सत्ता में आने के लिए। फारूक जी आखिरी स्टेटमेंट बताइए, क्या करना होगा अभी, क्या करें कि इस तरह की घटनाएं ना हो और लोग जिस तरह आपका बेटे ने बोला कि क्या हम भी इस तरीके कर सकते हैं, तो क्या कैसे रोक लगेगा? नेता ऐसा कर रहे हैं तो फिर जनता का क्या? अभी जनता जागरूक होकर मेहनत करके एक दूसरे में विचार विमर्श करके ऐसे चोर लुटेरे अधिकारी हो या नेता हो इनका बहिष्कार करे और इनको उखाड़ फेंके, यही एक रास्ता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का और रूबरू में इस तरह से अपनी पूरी राय देने का और अच्छी तरह से आप लोगों ने समझाया हमारे दर्शकों को, हमें उम्मीद है कि समझ पड़ेगी और हमारी यही एक अपील है लोगों से कि हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा और रूबरू इसी तरीके से मुद्दे उठाता रहेगा और चर्चा करता रहेगा और मेहमानों को बुलाता रहेगा। मिलते हैं फिर ऐसे किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया।